खुशामदीद। क्या बात है, हमारे साथ ऐसा इदारा और ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। आप सब देखते रहते हैं जी, उनके काम को जानते भी हैं। और बिल्कुल, हमारा तो जाती पिछले 12-15 बरस से एक ऐसा ताल्लुक कि हम किसी भी इदारे के लिए बहुत ही यकीन से जहाँ खड़े होकर कह सकते हो कि जो आपके अतियात, आपकी ज़कात, आपके सदक़ात इस इदारे के लिए होंगे वो यकीनन मुस्तहिक तरीन लोगों तक पहुँचेंगे भी और ख़र्च भी होंगे। इसलिए कि पिछले 12-15 बरस में हमें जब भी कोई मुश्किल पेश आई, ज़ाहिर प्रोग्राम सरेआम के हवाले से किसी खातून को बाइज़्ज़त हिफाजत से कहीं रखने की बात हो, किसी को रेस्क्यू करना हो, किसी का इलाज करवाना हो, किसी बच्चे की ज़िंदगी का मामला हो, किसी ख़ानदान के मसाइल हों, हमने हमेशा सारिम भाई की जानिब देखा। और अल्हम्दुलिल्लाह सारिम भाई ने हमें कभी मायूस नहीं किया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। सारिम बनी ट्रस्ट के सरबरा सारिम भाई हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो वेरी मच आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए भी और आपकी खदमात के लिए भी जो आप पिछले इतने सारे सालों से सर अंजाम दे रहे हैं। और खुदा गवाह है, रात के किसी पहर बात कर लीजिए, दिन में किसी वक्त, छुट्टी हो, कोई सूरत हाल हो, जब भी किसी इंसान को मदद की ज़रूरत है, हमने या हमसे मुंसलिक या हमारे जानने वालों या हमारे अतराफ़ में मौजूद लोगों में से किसी ने भी सारे भाई से रब्ता किया, कभी ऐसा नहीं हुआ कि असबात में जवाब ना मिला हो या किसी भी तरह से टालने की कोशिश की गई हो। तो माशाल्लाह इनका इदारा, इनकी टीम और ख़ुद सारे भाई हमेशा मौजूद रहते हैं। सारे भाई थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे शोभा जाते हैं, हमने देखा कि जो शेल्टर होम है वहाँ दुनिया भर की, ज़माने भर की सताई हुई हमारी बहनें, हमारी माएँ, बेटियाँ, बच्चे वहाँ मौजूद रहते हैं और बहुत ही बाइज़्ज़त, बहुत ही बाहिफाजत माहौल के अंदर। फिर इसके अलावा दीगर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जिन पर आप काम कर रहे हैं, चाहे वो सेहत की बात हो, अभी हमने सूबेदार का पैकेज भी देखा और हमने नेकी में भी 5-7 बरस देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग आते रहे अगले बरस वो फिर परवरदिगार की अता से ठीक भी होते रहे। तो ये इतने सारे फ्रंट्स से, इतने सारे महाज पर किस तरह से काम मुमकिन हो पा रहा है इन हालात में कि जब बड़ी मुश्किल है डोनर्स की भी, डोनेशन देने वालों को भी, ज़ाहिर बिजनेस और बाकी तमाम चीज़ें बड़ी मुतासर हैं। इकरार भाई, मसाइल हैं, मुल्क में भी हैं, इंटरनेशनली भी इस वक्त जो है ना कारोबारी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन मैंने ये देखा है जिन वो जैसे एक मिसाल, वो तो गलत मिसाल है लेकिन समझाने के लिए, कि जिनकी फितरत में वो डसना वो डसा किया करते हैं, इसी तरीके से जिनकी फितरत में वो नेकियाँ करना ना वो नेकियाँ किया करते हैं, चाहे वो खुद भूखे रह जाएँ लेकिन वो किसी को ज़रूर जा करके रोटी खिला देते हैं। वो तो ऐसे कई सारे लोग होते हैं हमारे साथ जो जुड़े हुए होते हैं, सिस्टम को चला रहे होते हैं। मैं आपको सिर्फ अभी इसी वीक के दो ऐसे लावारिस लोगों को बताऊं। एक बच्चा जिस जो माजूर भी था, किसी इदारे में था, वहाँ डेथ हो गई, माँ के हवाले डेड बॉडी कर दी। माँ की जो है शादी हो चुकी थी, उसके जो शौहर ने उसे बिल्कुल इजाज़त नहीं दी उस डेड बॉडी को एक्सेप्ट करने की। अच्छा। उसे फिर किसी ने हमसे रब्ता किया, उसको फिर हमने जो है ना पूरी तदफीन कराई, ना माँ शरीक हुई ना कुछ हुआ, एक लावारिस की तरह वो बेचारा जो है ना इस दुनिया से गया। इसी तरीके से एक और लड़की जहनी तौर पे भी सही नहीं थी, थी भी लावारिस, लेकिन इसकी जो अगली बात है ना वो बड़े मज़े की है। वो लावारिस थी वो, लेकिन उस वारिस की कुछ, लावारिस की जो है ना कुछ चीज़ थी, कोई फ्लैट या कोई ज़मीन का कोई प्लॉट था जो लवाकिन कर गए होंगे ज़िंदगी में। अभी उसने चंद दिन पहले कहीं से कूद गई तो उसको उठा के अस्पताल ले जाने वाला कोई नहीं था, महल्ले वालों ने बताया, उसको हम ले करके गए, वहाँ उसकी बेचारी की डेथ हो गई, नहीं बच सकी। लेकिन जब डेथ हो गई ना तो वारिस थे उसके, और वारिस आ गए कि डेथ सर्टिफिकेट दें, वो जो अस्पताल वाला डेथ सर्टिफिकेट है वो दें, ताकि अब उसका जो मजीद अगला जो स्टेजेस है ना, कि वो जो उसकी जो भी चीज़ होगी, ज़मीन या फ्लैट जो होगी, वो ले सकें। तो हर किस्म के लोग हैं इस दुनिया में। हमने तो सारे भाई ये शान रमज़ान के सेट पर ही ऐसी ऐसी दास्तानें, ऐसी ऐसी कहानियाँ, एक वो खातून थी कि जिसने क्या शानदार ज़िंदगी गुजारी थी और फिर हमें क्लिफ्टन के साहिल से, और अब माशाल्लाह बहुत शानदार ज़िंदगी गुजार रही है। ऐसी अनगिनत कहानियाँ हैं, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ये सिलसिला और ये सफ़र आगे भी जारी रहेगा। लोग आपके साथ खड़े हैं, बल्कि जिन सूबेदार साहब को हमने दिखाया उनके बारे में भी ज़रा बताइए, फिर उनसे बात करते हैं। भाई ये है, इसके बच्चे हैं छोटे छोटे, देखा ही होगा, बेटी भी किस तरह रो रही थी बाप के लिए। अब इसके टांगों का जो हाल है ना, अगर एक टांग जो जिसके पे ये नहीं चढ़ा हुआ, वो उसका आप हाल देखें किस तरीके से वो, क्योंकि बीच में रॉड नहीं है, बगैर रॉड के वो जो है जुड़ी हुई है, तो किस हाल के अंदर है। ये केसेस जब हम लेके आते हैं, आज हम जो पिछले साल या उससे पिछले साल लाए थे वो आज भी जुड़े हुए हमारे साथ कई केसेस, तो इसको सालों ले करके चलना पड़ता है जब तक वो मुकम्मल तौर पर ज़िंदगी की तरफ ना लौट आए। वो तो ऐसे बहुत सारे केसेज हैं जिसको लेकर के चल रहे हैं और लोग इसमें सपोर्ट भी करते हैं फिर आगे से आगे बढ़ के। बिल्कुल ठीक है, ये हमें ज़रा बताइएगा कि अभी एक शेल्टर
توسیع کا کام بھی ہے. جی 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 تو ذرا سلسلے میں بھی بتائیے کہ وہ عمارت کہاں ہے. شیلٹر ہوم ابھی ہم بنا رہے ہیں ماشاء اللہ, پاکستان کا یہی کہہ سکتے ہیں کہ پہلا سب سے بڑا شیلٹر ہوم ہے, اور کوئی 200 کے قریب اس میں رومز ہوں گے, اور 200 میں مختلف جو ہے نا پورشنز ہوں گے, جدھر میڈیکل کے پیشنٹس الگ ہوں گے, لوارث الگ ہوں گے, ذہنی مریض الگ ہوں گے, اور وہ لوگ الگ ہوں گے جن کے ہوتے بھی ہیں کبھی کبھی, اور کبھی کبھی کوئی بھی نہیں ہوتا لیکن ان کو پھینک دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں, بزرگ لوگ ہوں گے اس میں, تو مختلف انداز سے یہ. چلیے میں ذرا معافی چاہتا ہوں بازار اس طرح سے نہیں بھائی, ہم ذرا بات کرتے ہیں صوبے دار بھی جن کا پیکیج ہم نے دیکھا. سلام بھائی, ذرا السلام علیکم, یہ ذرا مائک مجھے دے دیں آپ. کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں, اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ خیر کرے گا, سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا. تو کیا کرتے تھے آپ کراچی میں؟ سر میں فورتھ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں میڈیکل میں. اچھا, میں نے فورتھ ایئر کلیئر کی ڈی ایچ ایم ایس ہومیوپیتھک ڈیرا غازی خان سے. اوکے, اس کے بعد میں آیا تو یہاں میں نے جاب کی یاری جون ہاسپٹل میں, تو او ٹی ٹیکٹیشین, تو میں وہاں سے کام کرتا تھا. جب میں واپسی آیا تو میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اللہ اکبر. تو دونوں پاؤں میرے ڈیمیج ہو گئے. اور یہ کب ہوا ایکسیڈنٹ آپ کا؟ یہ ایک سال ہو گیا سر. اور اس میں کوئی بہتری کا امکان ہے؟ سر ڈاکٹروں کا تو کام ہے, کہہ رہے ہیں کہ اس میں فریم لگایا ہوا ہے, بہتری ہے, اور اس میں کچھ راڈ وغیرہ نہیں جلی ہوئی ہے, کچھ پیسے نہیں تھے, اخراجات میرے نہیں تھے. کھانے کے وقت ہمارے کھانے کا اب یہ انتظام یہ ہے کہ ہمیں کچھ دوست ہیں, کچھ بڑے لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ دیتا ہے, تو وہیں سے ہمیں کچھ کھانے پینے کے مل جاتے ہیں. علاج کے لیے جتنے پیسے چاہیے وہ نہیں ہے, بالکل نہیں ہے ہمارے پاس کھانے کے لیے. نہیں ابھی, یعنی ویسے جب تک دوست مدد نہ کریں اس کے علاوہ کوئی ذریعہ آمدنی؟ کوئی ذریعہ نہیں ہے, کوئی ذریعہ نہیں ہے سر. اللہ تعالیٰ کی ذات آسانی. بچے ابھی پڑھتے ہیں, اسکول جاتے ہیں؟ کوئی نہیں سر, بے فارم کے لیے منگوایا ہوتا, بے فارم بھی کروایا ہے, ابھی تک کوئی ہمیں وہ پروسیجر نہیں ملا ہے, کوئی اس میں رسپانس نہیں ملی ہے کہ ہمیں بچے پڑھ سکیں یا میں کچھ بچوں کو اللہ سکوں. سر بھائی دیکھیے, یہ وہ جو زہر زندگی کو اپنے طور پر سٹرگل کر کے گزار رہے تھے, کوشش کر رہے تھے کہ رزق حلال کمائیں اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے, اور پھر ظاہر ایک آزمائش آ گئی, تو اب کتنی ضرورت ہے ان کو, کس طرح سے ٹھیک ہو سکتے ہیں اپنے پیروں پہ؟ میں بتا رہا تھا نا, ایک تو لاکھوں روپے اس پہ لگتے ہیں, ایک ایک ٹانگ پہ تین تین چار چار لاکھ, بلکہ افسوس کے ساتھ یہ کہوں گا ٹانگ بچانا تو ایک الگ ٹریٹمنٹ ہو گیا نا, ٹانگ اگر کاٹنی پڑتی ہے تو اس پہ بھی لاکھوں روپے چاہیے ہوتے ہیں ٹانگ کاٹنے کے لیے, تو بچانے کے لیے تو آپ سوچیں, ایک ایک ایمبولینس کا جو رینٹ ہے ہم تو خیر خود پرووائڈ کرتے ہیں, میں صرف سمجھانے کے لیے کہ لوگ کس مشکل میں ہوتے ہیں, کئی کئی ہزار روپے صرف ہاسپٹل آنے جانے کے لیے لگ جاتے ہیں ایسے پیشنٹس کے لیے, تو کس طریقے سے زندگی سروائیو کریں گے؟ نہ یہ رکشے پہ جا سکتے ہیں, نہ کسی بس میں ان کو لے جایا جا سکتا ہے, اس کے لیے ان کے پاس ویل چیئر تک کے نہیں ہے. باب اندازہ لگائیں اس حال کے اندر یہ آدمی واش روم کیسے جاتا ہوگا, اپنے گھر میں کس طریقے سے اگر ہلنا چاہتا ہو تو کیسے ہلتا ہوگا, اس حال پہ لوگ ہیں. اور یہ چیزیں دیکھ کے اگر میں نے دیکھی, میں لے کے آیا, یہاں نہیں بھی آتا تو میں اس کو لے کر کے چلتا زندگی میں, لیکن آسان نہیں ہوتا نا تن تنہا اکیلا کرنا. اس کے اب صرف نہ صرف اس کا علاج ہوگا, اس کے بچے بھی پڑھیں گے, اس کے گھر کے مسائل بھی جہاں تک حل کیے جائیں گے وہ ہوں گے, اور یہ دو چار پانچ مہینے کا نہیں ہوتا, یہ سالوں کا ہوتا ہے. اگر میں کہا نا آپ کہیں تو میں پچھلے کیس جو لے کے آیا ہوں وہ لا کے آپ کو دکھاؤں, بتاؤں کتنے کتنے سال ہم ان کو لے کر کے چلے. نہیں یہ تو دیکھیے, یہ تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے حاضر ناظر جان کے عرض کر سکتے ہیں, اس سیٹ پر کتنے ایسے پیشنٹ آئے کہ جو سال ہا سال بعد جب ہم سارم بھائی کے پاس جاتے ہیں تو کبھی اتفاق ان سے ملاقات بالکل ہو جاتی ہے, یا وہ سارم بھائی کے ہاں ہی کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں, جاب دے دیتے ہیں ان کو وہیں پہ, نوکری کر رہے ہوتے ہیں اور ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. تو اللہ نے بہت وسیلہ اور ذریعہ بنایا آپ کو لوگوں کی زندگیاں بچانے کا. اقرار بھائی یہ ایک کیس نہیں ہے, سینکڑوں کیس ہوتے ہیں, اس کو لانے کا ایک تو مقصد یہ ہوتا ہے. دیکھیے نا کیسا جوان ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ لوگوں میں ایک سوچ پیدا کرنا کہ لوگ آگے بڑھیں, ہمارے ساتھ جڑیں, تاکہ جو آنے والا ہے نا اس کی پریشانیاں اگر ختم نہیں کی جا سکتی نا تو کم از کم کمی کی طرف تو لے کر کے آئیں کہ کتنی تکلیف میں ہوگا وہ اپنی جان سے بھی, پھر اپنے بچوں کو دیکھ کے کہ نہ پڑھ پا رہے ہیں نہ پیٹ بھر کے روٹی کھا پا رہے ہیں وہ لوگ. تو سارے بھائی ہمیں خود ذاتی طور پر اتنے لوگ جو مسائل کا, کسی کا علاج ہونا ہے, کسی کی بیٹی کی شادی ہے, کسی کی تعلیم کا مسئلہ ہے, کسی کو شیلٹر نہیں مل رہا, تو ہم سے ہر دوسرا شخص کہ سارے بھائی کا نمبر دے دیجئے, تو آپ تک تو بہت سارے لوگ آتے ہوں گے امید کے ساتھ, توقع اور آس کے ساتھ. بہت امید لاتے ہیں اور میں خود شرمندہ ہو رہا ہوتا ہوں کہ یا اللہ اتنا سب کچھ کیسے کروں, لیکن ہاں ایک دم اگر نہیں بھی کر پاتے تو اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں ہوتی چلی جاتی ہیں زندگی کی. شیلٹر کو آپ آ کر کے دیکھیے کتنا اوور لوڈ ہو چکا ہے وہ, لیکن اگر رات 3 بجے
कोई बच्ची मेरे पास आती है, कोई बच्चा छोड़ के जाता है गुमशुदा, तो मैं उसको ये तो नहीं कह सकता ना कि जी हमारे पास रखने की जगह नहीं है। तो वो चाहे एक चारपाई पे दो सोएं या चार सोएं या फर्श पे सोएं, फिर उनको सुलाना भी पड़ता है, उनकी हिफाजत भी करनी पड़ती है, उनको रोटी का भी इंतजाम करना पड़ता है। हाँ, हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है खिलाने पिलाने का पब्लिक में भी, कि बस वो कहते हैं खाना दे दो। सिर्फ खाना जिंदगी का एक हल नहीं है, जिंदगी की जरूरत जरूर है, लेकिन खाना इनको बहुत अच्छा मिलता है जितने हमारे पास शेल्टर में, लेकिन वसाइल जो है ना उसकी कमी की वजह से परेशानियों में रहते हैं। हाँ बिल्कुल, वह आप वाइफ भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है भाई। ठीक है, खैरियत से? तो अभी क्या परेशानी हो रही है इनके एक्सीडेंट के बाद? हमारे को किराए की, खाने पीने की, बच्चों के पढ़ाई की कुछ भी नहीं है, अभी तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। तो ये इनके लिए सफ़र करना, आगे पीछे जाना, इसके लिए भी बहुत परेशानी, वहाँ वहाँ से ले लेके अभी तो हम थक गए। अभी तो कोई देने वाला भी हमारे पास नहीं है, अभी तो भाई बहन भी नहीं पूछते थे तुम्हारे पास है या नहीं है, सब रिश्तेदार हमारे को छोड़ के गए, अभी तो इस हालत में देख के अभी तो। और बच्चे जब ये रोटी मांगते हैं, मैं तो परेशान, मेरा तो दिल फट जाता है फिर। ऐसी नौबत किसी के ऊपर नहीं आए। आमीन, आमीन, आमीन। तो क्या करें भाई, हमारे जैसे जिंदगी गुजरती है, एक साल से ये गिरा है तो हमारा जीने से दिल उठ गया इस बच्चों को देख के। मैं नहीं कर सकती। और जब ये ठीक थे, सेहतमंद थे उस वक्त? उस वक्त माशाल्लाह खाते थे पीते थे, रिश्ता अभी तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला बेहतर कर देगा इंशाल्लाह, बस आप हौसला रखें। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह, अभी अल्लाह ने चाहा तो बेहतरी हो जाएगी। आपने हिम्मत नहीं हारनी इंशाल्लाह, और फिर आप इसी तरह से अपने बच्चों के साथ। तो अब जाहिर है सबसे बड़ी मुझे जो लग रहा है, इंशाल्लाह रोज़गार और बाकी सब चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन ये जो तकलीफ़ है आपके चलने फिरने की या मूव करने की, वो जाहिर आप बजाय इसके कि जिम्मेदारी बांटते, अब वो एक तरह से जिम्मेदारी डाल दी है। तो सबसे दिक्कत वाला या मुश्किल वाला वक्त क्या होता है आपके लिए? यही सर, कोई नहीं है, सामान नहीं है चलने फिरने के लिए, कोई ऐसा वाकर वगैरह या कोई सिस्टम, और मेरे पास कुछ और अखराजात नहीं है जो मैं व्हील चेयर ले सकूँ, या कुछ वो नहीं है, मेडिसिन के लिए मेडिसिन नहीं है, तो बहुत तकलीफ हो रही है सर। उस वक्त तो मैं मेडिकल स्टूडेंट था, अपना कमाता था 50-55,000। अच्छा, मिलते थे माशाल्लाह। अब जब गिरा हूँ तो अभी तो कोई पूछने वाला ही नहीं है, अल्लाह देगा, अल्लाह की ज़ात देगी शायद इंशाल्लाह। तो आप अब ये बताइए कि आपकी क्या ख्वाहिश और क्या दुआ है अल्लाह से कि ये हो जाए, तो आप और आपके बच्चे ठीक हो जाए, बस ये ठीक हो जाए मेरे लिए, ये कमाने लगेगा, मेरी हर जरूरत पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह, इज्जत से और इज्जत से, बस ये ठीक हो जाए। एक बार भाई, सारे भाई जो व्हील चेयर और ये वाली चीजें तो आज हम इंशाल्लाह कोशिश करके, वैसे भी आई एम श्योर आप कर ही लेते, लेकिन जरा हमारा हिस्सा हो जाएगा इसमें। मैं मकसद जो पाकिस्तान में बड़े साहिब हैसियत हैं, कोई एक भी पूरा इसकी ज़िंदगी का भी खर्चा उठा सकता है, लेकिन मैं कहता हूँ पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर कोई स्टेप बाई स्टेप कर लेना। एक आदमी के एक साल के लिए घर का रेंट मैं दे दूंगा, ठीक है, एक आदमी के मेडिकल का मैं कर दूंगा, एक आदमी के बच्चों की फीस मैं दे दूंगा, एक आदमी के जब तक ये कमाता नहीं घर का राशन पानी। और ये अल्लाह रहम करे ऐसा तो नहीं है, बता रहे 50-55,000 रुपए कमाते थे जिंदगी। और ये मेरा यहाँ आपसे बैठ के वादा है, और याद रखिएगा अगले साल इसको ले करके आइएगा इंशाल्लाह, ये खुद बताएगा कि आज ये किस हाल में अल्लाह ने अगर को जिंदगी सेहत दी तो, और अगर इसकी एजुकेशन रह गई है ना तो ये भी मेरा वादा है इसकी बंदे की जी जी वो तालीम ये भी इंशाल्लाह पूरी करेगा वो एजुकेशन, चाहे इसको रोज पिक एंड ड्रॉप के लिए मुझे गाड़ी क्यों ना देनी पड़ेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये तमाम तर डिटेल्स सारिम भाई की जो ऑर्गेनाइजेशन है सारिम बरनी ट्रस्ट, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम सब थोड़ा थोड़ा सा भी इंशाल्लाह करेंगे, तो ये एक ज़िंदगी, एक ख़ानदान, ये प्यारे बच्चे जो गैर जिनकी आंखों में आंसू हैं अपनी माँ को रोता हुआ देखकर, ये इंशाल्लाह आप देखें ना, मुस्कुराहटें आ जाएंगी। बीवी ये नहीं कह रही कि मुझे पैसा दे दो या मेरी मदद कर दो, या वो ये कह रही है कि ये ठीक हो जाए ताकि ये घर को चलाने लगे। तो एक सफेद पोश आदमी के लिए ना बहुत तकलीफ दे वक्त होता है ये वाला, अल्लाह किसी पे भी ना लाए, लेकिन हम सब पे ये फर्ज है, मैं हूँ, आप हूँ, वसीम भाई हूँ, या जो भी देख रहे हैं इस वक्त, कि जो जहाँ से जितना हिस्सा डाल सकता है ना इंशाल्लाह वो अपना हिस्सा जरूर। और ये शुभदार भाई, यहाँ आपको जहमत देने का जो मकसद है ना, वो ये नहीं कि भाई लोग तो इंशाल्लाह करेंगे, और सारे भाई भी यहाँ आपको देखकर इतना इतनी बड़ी तादाद में जो लोग देख रहे हैं ना, वो रमज़ान में इंशाल्लाह आपके लिए दुआ भी करेंगे, तो उससे बाकी तो चीज़ें पैसे वैसे तो हो जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन इंशाल्लाह दुआ से बहुत अच्छा हो जाएगा जी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और ये कि इंशाल्लाह सब लोग आपके लिए दुआ करेंगे, आपके बच्चों के लिए, आपकी सेहत के लिए, ठीक है इंशाल्लाह, आप ठीक ठीक हो जाएंगे। परवरदिगार
पैसे की जरूरत नहीं है लेकिन पैसे ही की जरूरत है, नहीं होता ना तो इंसान इस स्टेज तक के पहुंच जाता है। एतबार से कह रहे हैं कि भाई मुझे ना दो यार, मैं सेहतमंद हूं, लेकिन हम सैर कर दूं मैं सेहतमंद हो जाऊं। हम कोशिश ये करें कि इसको जिंदगी पे ले आएं ताकि ये लोगों की मदद करें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बहुत नवाजिश सारे में, अल्लाह ताला कामयाबियां दे इंशाल्लाह इस कार्य खैर में। स्पेसिफिकली सवाल से भी और बतौर मजमू भी इदारा जो कुछ कर रहा है सारे भाई के लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार और बहुत सारी तालियां भी जिस जोश जज्बे के साथ काम कर रहे हैं। बहुत नवाजिश, इंशाल्लाह मैं एक ब्रेक के बाद दोबारा आ जाऊंगा।